नई लामभोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जूता चप्पल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर, दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। नरेला एरिया में भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। जूते चप्पल सब सामान प्लास्टिक का था, इसलिए आग ने फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 10 गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हैं। एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोई भी कर्मचारी फैक्ट्री में नहीं फंसा। फैक्ट्री में जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माल का लाखों का नुकसान हो गया है। फैक्ट्री में प्लास्टिक के सामान के साथ साथ जो महंगी मशीनें लगाई हुई थी वह भी पूरी तरीके से जल चुकी हैं। आग किस कारण लगी यह बाद में जांच का विषय होगा, लेकिन प्राथमिकता आग बुझाने की है। आग को अंडर कंट्रोल कर लिया गया है। परवीन जी, किस चीज़ की फैक्ट्री और कैसे कुछ आग लगी पता लगा अभी तक? भैया ऐसा है, ईवा की फैक्ट्री है, चप्पलों की फैक्ट्री है, लेकिन ये है फायर वायर को फोन किया गया था। कम से कम यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी, नरेला से गाड़ी आई है। पहले यहाँ पे एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी, एक गाड़ी मौजूद नहीं थी, एक गाड़ी नरेला से आई है, पर उसको भी आने में कम से कम 45 से 50 मिनट लग गए आने आने में। ठीक है जी, आपका कहना है अगर फायर की गाड़ियाँ समय पर समय पर रहती बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता था। अगर यहाँ नरेला इंजन शरीर इतना बड़ा इंजस्टी एरिया, अगर एक भी गाड़ी होती तो एक गाड़ी भी आग काबू पा लेती, 10 मिनट के अंदर आग पे काबू पा लेती। सारे सिस्टम लगे हुए हैं, हाँ सारे सिस्टम यहाँ भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। गाड़ी करीबन एक घंटा लेट पहुँची है, एक घंटा मैक्सिमम, एक घंटा लेट पहुँची है, उसकी वजह से ज़्यादा आग फैली है। फैली है जिसकी वजह से चप्पल है, आग तो फैलेगी, आग तो अपने हिसाब से फैलेगी तो फैलेगी, लेकिन गाड़ियाँ जो है गाड़ियाँ सिर्फ। सर नाम क्या आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, किस चीज़ की फैक्ट्री आग लगी जो? चप्पल की है, हवाई चप्पल की, चप्पल जूते बनाने की फैक्ट्री है। तो ताला बनता था नीचे, इसकी कर दो थोड़ा क्या है। क्या नाम आपका? ऋषभ सिंह चौहान। चौहान जी, कैसे आग लगी और किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? ये जूते चप्पल की फैक्ट्री है और दाना बनता था मशीन में नीचे, ऊपर का तो अभी नया सेट चालू किया है, अभी मशीन लगाया 2-3 दिनों ने काम चालू करने के लिए, काम तो चालू नहीं हुआ। आग कैसे लगी कुछ पता लगा? नहीं पता लगा, हल्का हल्का पहले धुआं सा निकल रहा था, जब बोला गया तो जाकर ऊपर देखा दबा। अरे जी, आपको काम मिली आग की, तो क्या पूरा मामला है? हमें 2015-2017 की कॉल मिली थी जूते चप्पल की फैक्ट्री में आग। हम मुझे पूछे आए हैं, गाड़ियाँ आने के बाद जूते चप्पल का काम हो रहा है और शोर शक्ति से आग लगी, लेकिन फायर के सिलेंडर यहाँ मिले हमें, ऊपर खाली हुए हुए हैं, ये हमें ये जानकारी नहीं है कि इन्हीं के हैं या दूसरी फैक्ट्री से आता है। सर फायर के अंदर पूरे सिस्टम वगैरह लगे हुए थे फैक्ट्री में? कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ, सिर्फ फायर सिलेंडर मिले हमें, 10-15 सिलेंडर हैं ऊपर तो खाली। तो NOC वगैरह फायर की तरफ से है पूरी? हमारी तरफ से तो कोई NOC नहीं है। बाकी नुकसान की अगर बात की जाए तो कितना रहा होगा लगभग? नुकसान तो अभी चेक करने के बाद बताएंगे, अभी काम चल रहा है आधे घंटे के बाद। तो गाड़ियाँ कितनी आई अपनी? गाड़ियाँ हमारे पास 10 गाड़ियाँ काम चल रही है। क्या रीज़न बताया गया, कुछ पता लगा? अभी तो शॉर्ट सर्किट का अंदाज़ा लगा जा रहा है, बाकी इंक्वायरी करने के बाद। कितनी टोटल गाड़ियाँ रही टोटल? 10 गाड़ियाँ हैं। और समय कितना लगा सर? समय एक घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया। कितने मंजिल की फैक्ट्री और किस चीज़ की फैक्ट्री? ये जूते चप्पल की फैक्ट्री है, 4 मंजिल की फैक्ट्री है।